नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे चैनल द स्पीड अनुराग सर में एक बार फिर से स्वागत है। हम लोगों की जो सीरीज चल रही है ये लगातार चलती रहेगी। आज हम लोग जो है स्टैटिक जीके में कुछ सामान्य चीज़ें पढ़ेंगे, जिसमें से एक टॉपिक है जनगणना। हम छोटा छोटा जितना भी टॉपिक है हर टॉपिक पे बीच बीच में वीडियो बनाते रहेंगे, जैसे जनगणना हो गया, अंतर्राष्ट्रीय मुख्यालय हो गए, झील हो गई, नदियाँ हो गए, तो इस सब पे जो है इस सारे पॉइंट पे आपको वीडियो मिलेगा। तो इसके लिए आप अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक। तथा लाइक और कमेंट करना ना भूलें। क्या कमी है वीडियो में वो भी बताएं, और क्या अच्छा लगा आपको वो भी बताएं, ताकि जो है उससे उत्साह बढ़ेगा कि जो है हाँ, हमारे देखने वाले लोग या हमारे परिवार के आप सदस्य हैं, आप हमारा वीडियो देख रहे हैं, इसका मतलब आप हमारे सदस्य हैं। हमारा जो चैनल है द स्पीड स्टडी, ये एक परिवार है और इस परिवार के आप हिस्सा हैं, क्योंकि आप ये देख रहे हैं। अगर कोई भी इस चैनल पर एक बार आ गया तो वो इस परिवार का हिस्सा बन गया, उस इस परिवार का सदस्य बन गया। तो इसलिए आप लाइक और शेयर और कमेंट जरूर किया कीजिए। आज हम लोग टॉपिक लिए हैं जनगणना। तो जनगणना देखिए होता क्या है, चूंकि अभी 2021 में जनगणना होनी है, ठीक। तो जनगणना जो करवाता है वो कौन करवाता है, जनगणना कौन करवाता है? तो जनगणना जो है जनगणना आयुक्त करवाता है, जनगणना आयुक्त करवाता है, ठीक। जनगणना आयुक्त जो है वो जनगणना करवाता है, और पहले जनगणना आयुक्त हमारे प्लाउडेन थे, फर्स्ट जो थे वो प्लाउडेन थे, और जो लास्ट 2011 वाली जो जनगणना हुई थी उसके जो जो है आयुक्त थे वो थे सी चंद्र मौली, और यार कुछ लोग मौली कहते हैं, ठीक। तो सी चंद्र मौली थे। याद रखिएगा, जनगणना जो है फर्स्ट जनगणना जो हुई थी, पहली जनगणना जो हुई थी वो स्वीडन में हुई थी। कहां हुई थी? स्वीडन में हुई थी। पहली जनगणना स्वीडन में हुई थी, और पहली दशकीय जनगणना जो हुई थी वो कहां हुई थी? वो अमेरिका में हुई थी। याद रखिएगा, जो पहली जनगणना हुई थी वो कहां हुई थी? स्वीडन में हुई थी। और जो पहली दशकीय जनगणना हुई थी वो हमारी कहां हुई थी? वो हमारी अमेरिका में हुई थी। उसके बाद देखिए, अगर हम भारत की बात करें तो भारत में जो फर्स्ट जनगणना हुई थी, जो पहली जनगणना हुई थी वो हमारी 1872 ईस्वी में हुई थी। कब हुई थी? 1872 ईस्वी में हुई थी। और उस समय जो भारत के मतलब भारत में किसका शासन था, तो उस समय लॉर्ड मेयो थे। कौन था? लॉर्ड मेयो, ठीक। उसके बाद अगर अभी बात करें फर्स्ट दशकीय जनगणना, भारत की पहली दशकीय जनगणना, ठीक, भारत की जो पहली दशकीय जनगणना हुई थी वो 1881 ईस्वी में हुई थी, लॉर्ड रिपन के समय, 1881 ईस्वी में लॉर्ड रिपन के समय। और इन्होंने ही ये व्यवस्था लाई कि हर 10 साल पर जो है भारत की जनगणना होगी। तो हुआ क्या कि भारत की जनगणना की अगर हम बात करें तो भारत की जनगणना जो है स्वतंत्र भारत की सातवीं, ठीक, स्वतंत्र भारत की सातवीं और उस तरह 15वीं, स्वतंत्र भारत की सातवीं जनगणना थी, और अगर हम केवल भारत की बात करें तो 15वीं जनगणना, ठीक। तो यहां से हमारा एक कॉन्सेप्ट निकल के आया कि 2021 की जो जनगणना होगी वो स्वतंत्र भारत की 8वीं जनगणना होगी और भारत की 16वीं जनगणना होगी। तो ध्यान दीजिए कि जो 2011 में जनगणना हुई थी उसका जो लोगो था, या सबसे पहले ये जान लीजिए कि जो उसका नारा था हमारा या हमारी जनगणना, हमारा
हरीश, ये उसका क्या था, नारा था, और इसका लोगो क्या था, इसका लोगो था कि हाथ में कंप्यूटर लिए एक शिक्षिका। क्या था इसका लोगो, हाथ में कंप्यूटर लिए एक शिक्षिका, हाथ में कंप्यूटर लिए शिक्षिका, ये जो है इसका क्या था, लोगो था। अब अगर हम जन पॉइंट की बात करें तो जनसंख्या की दृष्टि से, जनसंख्या की दृष्टि से विश्व में पहले नंबर पर कौन है, हम सभी लोग जानते हैं चीन, और दूसरे नंबर पर कौन है, भारत। जनसंख्या की दृष्टि से पहले नंबर पर चीन है और दूसरे नंबर पर भारत है। वहीं अगर और बात करें तो विश्व की 17.7% जनसंख्या, जनसंख्या भारत में निवास करती है। कितना, 17.7% जनसंख्या जो है वो भारत में निवास करती है, और अगर भारत की ही बात करें तो 20.2% जनसंख्या हमारे उत्तर प्रदेश में निवास करती है। कहां पे, उत्तर प्रदेश में निवास करती है। ठीक, तो ये कुछ पॉइंट है जो कि हम आपको बता रहे हैं। अगला पॉइंट देखिए कि अगर सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य पूछे तो सर्वाधिक जनसंख्या किसकी हो गई, हमने अभी बता दिया, उत्तर प्रदेश की। यानी कि सर्वाधिक, सर्वाधिक जनसंख्या किसकी होगी, उत्तर प्रदेश की होगी। और सबसे कम की अगर अभी बात करें, सबसे कम जनसंख्या किसकी थी, तो वो सिक्किम की थी। किसकी थी, सिक्किम की। और 2011 में जो जनगणना हुई थी, 2011 में जो जनगणना हुई थी, 2011 की जनगणना में भारत की जो जनसंख्या थी वो थी 121 करोड़। कितनी थी, 121 करोड़ थी। तो सबसे अधिक जनसंख्या उत्तर प्रदेश में थी, कितना, 20.2%, और सबसे कम जनसंख्या सिक्किम में। उसके बाद अगर अभी यही बात करें कि जनसंख्या घनत्व, सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व, सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व और सबसे कम जनसंख्या घनत्व, तो अगर भी सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व की बात करें तो सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व जो है वो किसका है, बिहार का है। किसका है, बिहार का। सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व बिहार का है, और सबसे कम जनसंख्या घनत्व जो है वो अरुणाचल प्रदेश का है, अरुणाचल प्रदेश का है। ये सभी पॉइंट है, आप लोग कॉपी में नोट कर लीजिए, भारत की जनगणना हेडिंग डाल दीजिए, स्टैटिक का हर पार्ट जो है आपको यहाँ पे मिलेगा। सबसे कम जनसंख्या घनत्व कहाँ की थी, अरुणाचल प्रदेश की। वहीं अगर हम यूनियन टेरिटरी यानी कि अगर हम केंद्र शासित प्रदेश की बात करें तो सर्वाधिक जनसंख्या दिल्ली में थी, और सबसे कम जनसंख्या अगर बात करें यूनियन टेरिटरी में तो वो थी कहाँ की, अंडमान निकोबार, अंडमान निकोबार। ठीक, ये चीज है। वहीं फिर आगे बात करें सर्वाधिक साक्षरता की बात करें तो साक्षरता में सर्वाधिक साक्षरता वाला राज्य था, सर्वाधिक साक्षरता, तो सर्वाधिक साक्षरता वाला राज्य जो था वो कौन था, केरल था। सर्वाधिक साक्षरता वाला केरल था। और अगर अभी हम यूटी की बात करें यानी कि यूनियन टेरिटरी की बात करें, केंद्र शासित प्रदेश की बात करें, तो हमारा क्या था, वो हमारा लक्षद्वीप था। वही अगर हम सबसे कम साक्षरता की बात करें तो सबसे कम साक्षरता जो थी वो हमारी बिहार की थी। किसकी, बिहार की थी। और अगर हम यूपी की बात करें तो हमारा सबसे कम कहां का था, दादरा नागर हवेली का था, दादरा नागर हवेली।
यहाँ की जनसंख्या साक्षरता दर सबसे कम थी और यहाँ की सबसे अधिक थी। वहीं अगर सर्वाधिक साक्षर धर्म की बात की जाए तो सर्वाधिक साक्षर धर्म ईसाई है। ठीक, सर्वाधिक साक्षर धर्म कौन सा है? ईसाई है। कहाँ पे? भारत की बात हो रही है, याद रखिएगा, भारत में। ठीक, भारत की बात हो रही है। सर्वाधिक साक्षरता साक्षर धर्म ईसाई था और सबसे कम साक्षर धर्म की बात की जाए तो वो मुस्लिम है। ठीक, ये चीज है। फिर वहीं आगे अगर देखें तो जो लिंगानुपात था, वहीं आगे अगर देखें लिंगानुपात तो भारत लिंगानुपात में, अगर भारत की लिंगानुपात देखा जाए तो भारत का जो लिंगानुपात था वो 943 बटे 1000 था। कितना? 943 बटे 1000। वहीं सर्वाधिक लिंगानुपात की बात की जाए तो सर्वाधिक लिंगानुपात केरल का था। किसका? केरल का था। और केरल का जो लिंगानुपात है वो कितना है? केरल का है 1084। कितना? 1084। किस पर? 1000 व्यक्तियों पर। ठीक, तो ये सारी चीजें हैं। अगर अभी हम यही सबसे कम लिंगानुपात की बात करें तो वो हमारे हरियाणा की है। ठीक, हरियाणा की है, वो है 873 बटे 1000। ठीक, ये चीज है। अगर हम एक चार्ट बनाएं जनसंख्या घनत्व लिंगानुपात साक्षरता, अगर हम एक चार्ट बनाएं तो जनसंख्या में पहले नंबर पर है यूपी, जनसंख्या घनत्व में पहले नंबर पर है बिहार। ठीक, वहीं लिंगानुपात में पहले नंबर पर है केरल, साक्षरता में पहले नंबर पर है केरल। वहीं अगर दूसरे नंबर की बात करें तो जनसंख्या में महाराष्ट्र, जनसंख्या घनत्व में पश्चिम बंगाल, लिंगानुपात में तमिलनाडु, और साक्षरता की बात करें तो साक्षरता में मिजोरम। ठीक, तो ये चीज है। अगर तीसरे नंबर की बात करें तो तीसरे नंबर पर बिहार है, फिर पश्चिम बंगाल है। ठीक, जनसंख्या घनत्व की बात की जाए तो जनसंख्या घनत्व हमारा तीसरे नंबर पर क्या है? तीसरे नंबर पर केरल है, फिर उत्तर प्रदेश है। वहीं अगर लिंगानुपात की बात की जाए तो लिंगानुपात तीसरे नंबर पर है आंध्र प्रदेश। ठीक, तीसरे नंबर पर है आंध्र प्रदेश और चौथे नंबर पर है मणिपुर। और वहीं साक्षरता की बात की जाए तो तीसरे नंबर पर है त्रिपुरा और चौथे नंबर पर है गोवा। तो ये सारी चीजें हैं भारत की जनगणना से रिलेटेड। ठीक, तो अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए तथा कमेंट कीजिए कि कैसा है, अच्छा है सर, नहीं अच्छा है सर, बहुत बेकार है, इसमें ये कमी है, इसमें ये कमी है, तो उसको आप बताइए। ठीक, धन्यवाद, आप बने रहे आपको हमारे चैनल पर आने के लिए।